रूस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसका बेहद खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर का-52 यूक्रेन के ठिकानों पर मिसाइलें बरसाता नजर आया। रूस ने इस हमले में यूक्रेन की सेना की एक बड़ी पोस्ट को तबाह करने का दावा किया। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिले हथियारों को भी नष्ट करने का दावा किया। रूस ने जो वीडियो जारी किया उसमें का-52 लड़ाकू हेलीकॉप्टर एक बेस से उड़ान भरता नजर आया। इसके बाद वो आसमान में गरजते हुए उस इलाके में पहुंचा जहां से उसे यूक्रेन के ठिकाने पर धावा बोलना था। जैसे ही हेलीकॉप्टर टारगेट की जद में पहुंचा, उससे ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी गईं। कुछ ही सेकंड में दर्जनों मिसाइलें यूक्रेन की पोस्ट को तबाह करने के लिए निकल गईं। और जैसे ही लड़ाकू हेलीकॉप्टर से छोड़ी गई मिसाइलें निशाने से टकराईं, वहां एक के बाद एक धमाके होते हुए नजर आए। रूस ने दावा किया कि उसकी मिसाइलों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को तहस नहस कर दिया। इसके बाद हमले को अंजाम देकर रूस का लड़ाकू हेलीकॉप्टर बेस पर लौट आया। वहीं पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अगर चीन और रूस ने कनाडा पर मिसाइल ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पहले दागीन तो अमेरिका उसे नहीं बचा पाएगा। यूक्रेन जंग के बाद रूस और चीन साथ आ चुके। दोनों ने समंदर में साझा अभ्यास करके दुश्मनों के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी। और कनाडा के रक्षा विशेषज्ञ इसी बात से डरे हुए हैं। उन्हें तो ये तक लग रहा है कि रूस और चीन की मिसाइलों से अमेरिका भी उसे नहीं बचा पाएगा। यूरेशियन टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कनाडा के रक्षा विशेषज्ञों को लगता है कि अगर रूस और चीन ने कनाडा पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी तो अमेरिका उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हमला इतना खतरनाक होगा कि अमेरिका पहले खुद को बचाएगा। कनाडा में अमेरिका के विरोध में यह आवाज ऐसे समय में उठ रही है जब वहां की रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि कनाडा अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपग्रेड करेगा, क्योंकि मौजूदा हालात में कनाडा को अपनी सीमाओं की सुरक्षा कड़ी करने की जरूरत है। कनाडा की रक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले ही यह बयान दिया था और कहा था कि कनाडा अपना रक्षा बजट बढ़ाने वाला है। यूक्रेन जंग के बाद हर देश अपनी सीमा की सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है। कनाडा ने यह करके कुछ नया नहीं किया, लेकिन वहां के रक्षा विशेषज्ञों का अमेरिका पर सवाल उठाना बाइडेन के लिए झटके की तरह है, क्योंकि कनाडा और अमेरिका एक साथ मिलकर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस नेटवर्क को अपग्रेड करने पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे रूस और चीन की खतरनाक मिसाइलों और हाइपरसोनिक हथियारों से लड़ा जा सकता है।